हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 एग्जाम के लिए जो है हैशटैग रिवीजन वीडियो में कौन से टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, तो आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो टॉपिक है इसका आज रिविजन होने वाला है। और इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग डेफिनेटली जो है इस पूरे वीडियो को आपको देखना है और लास्ट में जो है आपको स्कोर भी कमेंट करना है कि कितना आपका स्कोर आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पर है कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, तो वो कौन सा आर्टिकल है जिससे जो रिलेटेड है मनी बिल से। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो जो मनी है वो रिलेटेड है आर्टिकल 110 से। ठीक है, आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है, मनी बिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर से। तो ये आप जानते होंगे कि आर्टिकल 26 जो है अनुच्छेद 26 ये है रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट डज आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ये जो आर्टिकल 61 है ये किस से रिलेटेड है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आर्टिकल 61 किस से रिलेटेड होता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये जो इम्पीचमेंट जो लगाया जाता है प्रेसिडेंट पे, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएस के संविधान से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये जो इन यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये किससे रिलेटेड है, किस आर्टिकल से रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये है आर्टिकल 44 से रिलेटेड। तो आर्टिकल 44 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी गवर्नर्स ऑफ स्टेट, तो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है राज्यों के राज्यपाल होंगे, तो ये है राइट, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 153 जो है ये है रिलेटेड। ठीक है, और जो गवर्नर्स होता है उसको कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो चलिए गवर्नर की बात हम लोगों ने कर लिया है, यहां पर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट जो है ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 52 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 76, देखिए ये आर्टिकल को ध्यान से आप देखिए और बताइए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इसके अंडर आता है। आर्टिकल 76 क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट डज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है आर्टिकल 32, तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जो है ये किससे रिलेटेड होता है, तो आप जानते होंगे कि आर्टिकल 17 जो है ये अनटचेबिलिटी से जो है रिलेटेड है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो आर्टिकल 19 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 19 जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये जो 23 और 24 है ये किससे संबंधित है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ टाइटल,
एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 से रिलेटेड है, एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है ये आर्टिकल 18 से रिलेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 29 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, किसमें इसके बारे में परिभाषित किया गया है, तो आर्टिकल 51A में है ये, ठीक है, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन शिफ्टेड एज अ लीगल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये लीगल राइट हो चुका है, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300A होगा यहां पर करेक्ट आंसर, 300A। नेक्स्ट है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 19 जो है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, और ये वो 6 फ्रीडम है जो कि दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये सभी जो है फ्रीडम दिए गए हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है, ये है रिलेटेड आर्टिकल 368 से, ठीक है, और किस देश के संविधान से ये लिया गया है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो साउथ अफ्रीका से ये लिया गया है। नेक्स्ट है, विच माइनॉरिटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये देखिए ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है, तो किसका उल्लेख है, तो यहां होगा लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोग याद कर लेंगे, 371F होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी जो है ये है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, चलिए 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, तो क्या होगा राइट आंसर, वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 50 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, आर्टिकल 50। नेक्स्ट है, हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने जो है अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो ये कहा है B.R. अंबेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 40 में है, ओके। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टेब्लिश्ड, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है, तो आर्टिकल 338 होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, इसके तहत जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है।
नेक्स्ट है कि एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट बी मोर देन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती है। किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो 250 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जीएसटी काउंसिल। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण के लिए प्रदान करता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जीएसटी परिषद के निर्माण के लिए प्रदान करता है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 279A होगा यहाँ पर राइट आंसर 279A। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति से संबंधित है? तो पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 161 से। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द राइट टू इक्वालिटी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? राइट टू इक्वालिटी से। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। नेक्स्ट है द आर्टिकल 371A डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अनुच्छेद 371A जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो क्या होगा राइट आंसर? नागालैंड हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 243K ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243K निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये आर्टिकल 243K? तो ये है इलेक्शन ऑफ द पंचायत, इलेक्शन टू द पंचायत से संबंधित है। ठीक है, पंचायतों के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 243K। तो ये रहा मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड। बाकी मैंने आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना रखा है, तो उसको भी आप देख लेंगे। ये तो हैशटैग रिवीजन वीडियो चल रहा है जो कि बेस्ड है आपका जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट फेज का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।